वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोरोना की वजह से घरों में जो औरतें हैं, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है राफिया, और ज़हनी तौर पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और किसी को बताती नहीं है। किसको बताएं? बच्चों को बताएं? बच्चों को नहीं बता सकते। मियाँ को बताएं, मियाँ की अपनी इतनी परेशानियाँ, घर में काम कर रहे हैं ऑफिस का, या ऑफिस जा ही नहीं रहे हैं, खर्चों की वजह से परेशान हैं। बुज़ुर्गों का ख्याल रखना, उनको भी नहीं बता सकते कि भी मैं कितनी परेशान हूँ। बच्चों को नहीं बता सकते, बच्चों को आप कैसे अपनी तकलीफ़ बताएंगे, और ये कि मुझे तकलीफ़ है, मैं परेशान हूँ, आई एम स्ट्रेस्ड। बच्चों को भी देखना है उनकी होम में जो उनकी क्या वो ऑनलाइन स्कूलिंग चल रही है, हर बच्चे का अलग अलग एक टाइम पे सबकी क्लास, सबको देखना, खाने का भी टाइम हो जाता है उसी वक्त, मियाँ को भी कोई ना कोई काम होगा, बुज़ुर्ग भी आवाज़ दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। और ये वाकई एक एक खातून के लिए ये सारा स्ट्रेस हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल इसमें कोई मतलब ये इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल टास्क है डेली बेस पे। तो अगर आप ऐसे किसी स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर का शिकार हैं, पहली बात तो ये कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन दूसरी बात ये कि आपको किसी से बात करनी है, और वो मुझे पता है कि घर का कोई फर्द नहीं हो सकता, वो किसी बाहर किसी एक्सपर्ट से आपको बात करनी है, तो आप कहें कि मैं घर से बाहर निकलूँ, साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिक जाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं, ना मेरे पास इसके फाइनेंस है, कोई बात नहीं, आपको मैं एक नंबर देती हूँ, यहाँ आप कॉल करेंगे, रोज़िन में माहिर नफ्सियात कुछ बैठे हैं हु आर रेडी टू हेल्प यू एट एनी टाइम। आप इनको फ़ोन करें और इनसे बात करें, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, घर में किसी को परेशान ना करें, इनसे बात करें, अपने फारिग टाइम में अकेले बैठ के रो के हंस के जैसे आपका दिल करे भड़ास निकालें अपनी, क्योंकि ये बस ये पाइल अप होती रहती है और ये शदीद बीमार कर देती है। बात करें, यू विल फील बेटर, क्योंकि इस घर को आपने संभालना है, और उसके लिए आपका मेंटली रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। नंबर नोट कर लीजिए, मैं बता रही हूँ, शो ख़त्म होने से पहले भी एक बार बताऊँगी, 0304, बड़ा आसान है, 0304, राफिया तुम भी नोट करो, 1111741, स्क्रीन पर भी ये नंबर आ रहा है, रोज़िन काउंसलिंग सेंटर है, इधर आप बात करेंगे, इनका नंबर है, और ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है। जी राफिया, इसी से रिलेटेड मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। बताए कि नादिया, हमारी कोई फ्रेंड या कोई बहुत हमें ऐसे फ़ोन करे, तो उसका ये होता है कि यार मैं घर में किससे बात करूँ, मैं घर में किसको बताऊँ, मैंने तुम्हें फ़ोन किया बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के। अच्छा, उसको सिर्फ ये होता है कि मेरी बात सुन लो, डोंट गिव मी सजेशन, कुछ वो ना दो, सिर्फ मेरा रोना जो है ना, अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो सुन लो। तो आई बिन डूइंग इट टू माई फ्रेंड्स, मतलब मैं उनको ऐसी कॉल करके और सुनाओ, मतलब थोड़ी देर बाद वो ऐसी ना दुनिया जहान की बात करके ना अपने पॉइंट पे आ जाती हैं, और फिर कोई रो रहा होता है, कोई बहुत ऐसा इशू डिस्कस कर रहा होता है, और फिर वो यूजली फ़ोन रखते हुए कहते हैं, राफिया हल्का, बहुत हल्का लग रहा है तुमसे बात करके। बिल्कुल, और ये बात करना ही बहुत ज़रूरी है, कभी कभी इंसान डिनाइल में भी होता है, मैं बात ना भी करूँ ना तो दे कैन सी इट ऑन माय फेस। हाँ, और अगर मैं अभी बहनों से कह रही हूँ, फ्रेंड से कह रही हूँ, सहेलियों से कह रही हूँ कि अगर आपको भी इसी तरह का कोई ज़हनी दबाव, टेंशन, स्ट्रेस है, लेकिन आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, निशानियाँ होती हैं, नींद नहीं आ रही, आपको ब्रीदिंग में मसला हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको कमज़ोरी हो रही है, आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, ये सब सिम्टम्स हैं, प्लीज़ बात करें। रोज़िन का मैंने आपको नंबर दिया, यहाँ वो काउंसलर्स बैठे हैं जो सिर्फ आपको सुनेंगे नहीं, बल्कि आपको मशवरा भी देंगे, नो कॉस्ट, जस्ट कॉल देम एंड टॉक टू देम, उनसे ज़रूर बात करें, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तो ज़रूर उसे शेयर कीजिएगा। मैं नंबर आपको दे रही हूँ, नोट कर दें, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आराम से तसल्ली से कमरा लॉक करके आराम से फ़ोन पे उनसे बात करें, अकेले रोने का दिल चाहे रो लें, लेकिन बात ज़रूर करें। ये जो चुप्पी है ना, ये जो चुप हम हो जाते हैं, ये अंदर ही अंदर हमें खा लेती है। नंबर नोट कर लें, 0304 1111741, फिर रिपीट करती हूँ, 0304 1111741, ज़रूर बात करें। तुम तो बात करो और मैं भी आज बात करती हूँ, हम भी ज़रा ट्राई करते हैं। नहीं, मैं बड़े अच्छा मैनेज कर लेती हूँ, मुझे ना इन चीज़ों से बड़े अच्छे से मैनेज हमेशा से करना आता है, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को भी मैनेज करती हूँ उन चीज़ों को लेके, दे कॉल मी अप फॉर एवरीथिंग, उनको ज़रा सी टेंशन होती है, हंसी मजाक और सोशल लाइफ अपनी जगह पर, बट उनको टेंशन होती है तो दे कॉल मी अप, राफिया एक मसला है यार, ऐसी बात करते करते वो अपना रोना, जब रोती है तो मैं आपको उस पर बता रही थी नादिया, कि जब मैं उनको रोता
सुनती हूँ ना उनके मसलों पे, तो मुझे लगता है मेरा कोई मसला ही नहीं है, बेशक मेरा तो कुछ भी नहीं है, लुक एट देयर प्रॉब्लम. जब आप ये देखते हो ना, तो फिर आप अल्लाह से, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह थैंक यू सो मच फॉर सो मेनी थिंग्स. बहुत जरूरी है, जहाँ शुक्र अजर है जिंदगी में डिप्रेशन कम होने लगता था. बेशक, थैंक यू सो मच राफिया, जो तुमने ये जो इतनी सीरियस बातें ये हिला हिला के जो तुमने पेन जिस पे हार्ट बना हुआ है पिंक सीक्वेंस के साथ, उफ़ ये राफिया सिर्फ कर सकती है, अच्छी लगती है करते हुए. थैंक यू सो मच. और जाते हुए फिर मैं आपको बता दूँ कि ये बात सही है, कोरोना की वजह से घर में बहुत मसाइल हो रहे हैं, जहन पे बहुत दबाव है, नींद नहीं आ रही, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आता है, किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता. तो एक बार बात करके देखिए, यहाँ रोज़न सेंटर में कॉल कीजिए और इनसे बात कीजिए. वहाँ मायरे नफ्सियात मौजूद हैं जो आपको सुनेंगे भी और आपको सही मशवरा भी देंगे. नंबर नोट कर लीजिए, 0304-111-741. और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे मुस्कुराहट के साथ. ये मुस्कुराहट ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और दिल में रखिए पॉजिटिविटी एंड होप फॉर अ बेटर लाइफ, बेटर फ्यूचर. अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखिए. खुदा हाफिज़ राफिया. खुदा हाफिज़. थैंक यू. टेक केयर.